देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल पटेल के साथ खबर सेंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। विकासनगर पुरोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया गया क्षेत्रीय लोगों ने जाम लगाया। तीन दिन से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में तीन लोगों के शव न मिलने पर प्रशासन की ढीली कार्रवाई से नाराज लोगों ने नारेबाजी कर सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बताते चले कि बीते तीन दिन पूर्व विकासनगर पुरोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हत्यारी जूतों के समीप यूटिलिटी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें करीब आठ लोग सवार बताए जा रहे थे। इनके बच्चों के लिए साले हेलीकॉप्टर आते हैं, करीब के बच्चे के लिए कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं। कि यहाँ सुबह 7 बजे क्रेन पहुँच जाएगी, तो सुबह 7 बजे क्या अभी टाइम साइड मैडम कितना हुआ होगा? 3 बज रहे हैं तो अभी तक यहाँ क्रेन नहीं पहुँची। क्या विकास नगर में क्रेन थी नहीं, देहरादून में क्रेन थी नहीं, विभाग के बस की जब क्रेन लानी थी नहीं तो हमको बोल देते पब्लिक में पैसा इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके क्रेन मंगवा लेते। विभाग के पास इतना पैसा है नहीं कि गरीब आदमी की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है तो उसके लिए विभाग के पास कोई पैसा नहीं है। लापता है, 6 बॉडी में से 4 बॉडी तो हमें मिल गई लेकिन 2 बॉडी अभी तक नहीं मिली और उसकी जल्दी से जल्दी उसे खोजा जाए। और इसके अलावा एक मांग और भी थी कि जो क्रेन से क्रेन भी मंगाई है उन्होंने, तो क्रेन भी हमारी अब आ गई और जाम को हमने अभी खुलवा दिया गया और तत्काल और कार्य भी चल रही है।